देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। संरक्षित क्षेत्र व अन्य जंगलों में बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में जारी की गई NTCA की रिपोर्ट में महाराष्ट्र में बाघों की संख्या 312 हो चुकी है। 214 में राज्य में 190 बाघ थे। बढ़ती संख्या के कारण उनके लिए जंगल कम पड़ रहा है, इसके लिए बाघ और अन्य वन्य जीव ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि जनवरी से अब तक बाघ के हमलों में 22 नागरिक ने प्राण गंवा दिए। इस दौरान तेंदुओं के हमले से भी कई घायल भी हो चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई बाघों की गणना की रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि 2018 में बाघों की संख्या 2967 हो गई है। यह संख्या 2014 में 2226 थी। इसमें लगभग 33% का इजाफा हुआ है। बाघ संरक्षण मुहिम के तहत 2022 तक बाघों की तादाद में दोगुनी बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है।